स्कूटी की डिक्की से 4 लाख रुपए बरामद, उड़नदस्ता प्रभारी ने की राशि जब्त। भाजपा कार्यालय में हुआ संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन, संगठन मंत्री सहित सांसद रहे मौजूद। धूमधाम से मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती, शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। असाटी समाज ने मनाया असाटी दिवस, मूक बधिर स्कूल पहुंचकर बच्चों को कराया भोजन। भगवान श्री राम का हुआ जलगमन, मोरगंज गल्ला मंडी में विराजित थी भगवान राम की प्रतिमा। कलेक्टर एवं एसपी पहुंचे जिला जेल, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गौर राधारमण मंदिर से निकली विशाल शोभा यात्रा, शरद पूर्णिमा महोत्सव के दौरान हो रहे आयोजन। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का पालन कराने प्रशासनिक अमला लगातार सक्रिय है। उड़नदस्ता दल द्वारा चेकिंग के दौरान एक स्कूटी की डिक्की में 4 लाख रुपए बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार पालीवाल तिराहा निवासी सपंजन की स्कूटी से पुलिस ने ये रकम बरामद की है। युवक का कहना है कि ये कमेटी की रकम है, परंतु साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण उड़नदस्ता द्वारा इसे संदिग्ध मानकर जब्त कर लिया गया। प्रसाद खाए हुआ है बच्चा, प्रसाद खाओ। सिटी कोतवाली से और आरओ मोहल्ले से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ मिश्र की तलैया में कोई व्यक्ति संदिग्ध राशि लेके घूम रहा है। उड़नदस्ते की टीम के द्वारा मौके पर जाया गया तो वहाँ पर पहले से ही पुलिस बल दल के द्वारा स्कूटी को रोक लिया गया था, क्योंकि राशि जो थी वो संदिग्ध थी, लगभग 4 लाख रुपए की राशि है, जिसको जब्त करने की कार्रवाई की गई है और अभी कार्रवाई के बाद राशि को ट्रेजरी में जमा करा दिया जाएगा। संदिग्ध के जो संदिग्ध व्यक्ति है उसके द्वारा आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर राशि को वापस भी की जाएगी। अभी क्या लग रहा है आपको? अभी तो राशि संदिग्ध है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला भाजपा कार्यालय में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के प्रदेश सह संगठन मंत्री अतुल राय मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में सांसद प्रहलाद पटेल के साथ सागर संभाग के भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। बैठक में मेरा आग्रह होगा कि बाकी कार्यक्रमों को लेकर माननीय अतुल जी आज इस बैठक में चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ हितग्राही संपर्क अभियान के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक बृहद कार्यक्रम अपने हाथों में लिया है। इसका एक संपर्क अभियान, इसकी सारी रूपरेखा आदरणीय अतुल जी भाई साहब और हमारे इस प्रदेश के प्रभारी के रूप में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित है। वो विस्तृत रूप से इस सारे कार्यक्रम की भूमिका आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि ये किन तारीखों में ये कार्यक्रम हमें किस तरीके से क्रियान्वयन करना है। इसके लिए मैं मंडल से बैठकों का आयोजन भी करना है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर के वाल्मीकि समाज द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। इस शोभा यात्रा में जहां युवतियां डीजे की धुन पर डांस करती दिखाई दे रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि की जीवंत झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। आयोजन में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज की महिलाओं एवं
बच्चों की उपस्थिति रही। शरद पूर्णिमा का दिन असाटी समाज द्वारा पूरे देश में असाटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को लेकर दमोह में भी असाटी समाज के द्वारा मूकबधिर स्कूल पहुंचकर बच्चों को भोजन कराया गया और उनके साथ समय बिताया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने भी वहां पहुंचकर मूकबधिर बच्चों से स्नेह और प्यार बांटा। आयोजन में आलोक असाटी, कंचेती असाटी, मनीष असाटी, अविरल असाटी के साथ बड़ी संख्या में असाटी समाज के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों की मौजूदगी रही। साथ में हम लोगों ने इसमें असाटी दिवस मनाते हैं। पूरी हमारी अखिल भारतीय असाटी समाज, ये यहाँ नहीं दमोह में नहीं, ये पूरे अखिल इंडिया में मनाई जा रही है। और हम लोगों के एक उद्देश्य है कि कम से कम है ना, ये हर खुशियाँ अपने घर परिवार में समाज के बीच में मनाते हैं, तो इन बच्चों के बीच में कब मौका मिलता है मनाने का, इनको खुशी मिले, इस कारण से आज हम सभी लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि इन बच्चों का एक दूसरे को एक करने के लिए कार्यक्रम रखेगा। यह असाटी दिवस मनाने का उद्देश्य समाज में एकता लाना है। ये इस तरह से जो हम लोगों के कार्यक्रम होते रहते हैं और उसमें हम लोग अपनी समाज के साथ अलावा भी दूसरे की समाज के लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों का जो समिति है वह राष्ट्र सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, सभी के लिए हमेशा अग्रणी रहने की कोशिश करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा लगातार ही सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। इसी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जे विजय कुमार एवं जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल जिला जेल पहुंचे। उन्होंने यहाँ पहुंचकर जेल की सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मोरगंज गल्ला मंडी में नवरात्र से विराजित भगवान प्रभु श्री राम की प्रतिमा का आज जलगमन हो गया। इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जो मोरगंज गल्ला मंडी से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई फुटेरा तालाब पहुंची, जहां राम भक्तों द्वारा प्रतिमा का विसर्जन पूरे भक्तिभाव के साथ किया गया। पूछा गया, हम लोगों ने समझा कि आखिर राम जी के जल विहार अर्थात महाप्रस्थान की तिथि क्या है। तब हमें कुछ दो विद्वानों ने बताया, एक हमारे बड़े भाई दीक्षित जी ने बताया कि भगवान ने त्रेता युग में शरद पूर्णिमा के दिन महाप्रस्थान किया था, तो यह तिथि सबसे उत्तम होगी। तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, उस बैठक में सबको बताया कि महाप्रस्थान की तिथि शरद पूर्णिमा है, तो सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान का महाप्रस्थान अर्थात जल विहार गमन यात्रा को एक शोभा यात्रा के रूप में निकालें और फिर भगवान को महाप्रस्थान के लिए विदाई करें। तो यह सब कार्यक्रम तय करके आज
हम सभी यहाँ राम भक्त सनातन धर्मी भगवान को जल विहार कराने, भगवान को महाप्रस्थान कराने यहाँ सभी आए हैं। भगवान का महाप्रस्थान हो चुका है और सभी की आंखें नम है और सभी के मन में एक हर्ष भी है, एक भावुकता भी है, एक मर्म भी है और एक उत्सुकता भी है कि पुनः प्रभु जल्दी आए, वो घड़ी पुनः आए कि हम फिर उनको विराजमान करें, फिर उनकी हमें सेवा का, पूजा का, ध्यान का, तप का, आशीष लेने का अवसर प्रदान हो। जय श्री राम। शरद पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री गौर राधारमण मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकलकर वापस मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में भक्तों ने जहां भगवान को हाथों में लेकर नगर भ्रमण कराया, वहीं हरे रामा हरे कृष्ण का जाप करते हुए शरद पूर्णिमा की खुशियां मनाई। इस दौरान राधा कृष्ण की जीवन झांकी भी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी।